यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने संजूदा लाइफ वॉरियर सीरीज को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलो अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, आप लोगों को जैसा कि बताया गया लास्ट एपिसोड में हमारे एक्सयूवी 700 के साथ गंदा सीन हुआ था कि हमारे इसको सीज कर लिया था एक्सयूवी को, बट हमने किसी तरीके से इसको छुड़ा कर ले आए थे। लेकिन आज मुझे ये गाड़ी कुछ खास पसंद तो नहीं है, इसलिए मैं आज इसको सेल आउट करने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, जिससे कि मैं एक नई गाड़ी खरीद सकूँ। क्योंकि इसका ये कोई भी कलर इसके साथ मैच नहीं करता भाई। हर तरफ से सफ़ेद रहती है तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, और ब्लैक होता है तो सारे बॉडी पार्ट्स के साथ मिल जाता है। तो मैं इसको बेचने जा रहा हूँ आज कोई नई गाड़ी लेने के लिए। सो अभी फटाफट से चलते हैं सिटी की तरफ। तो लेट, मैं आ चुका सिटी में, और मैं अपने प्रो स्किल्स के साथ यहाँ पर मस्त तरीके से ड्राइविंग करूँगा, और कहीं पर भी ठोकने भी नहीं वाला। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से जाकर अपने गाड़ी को शोरूम में रख देते अपने प्रो स्किल्स के साथ। खत्म, अभी ठोकने भी नहीं वाला। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से जाकर अपने गाड़ी को शोरूम में रख देते अपने प्रो स्किल्स के साथ। ओ भाई, बहुत गंदी तरीके से ठोका है अपनी एक्सयूवी को भाई। भाई इतने खतरनाक तरीके से कौन ठोकता है भाई। अच्छा चलो, अभी इसको यहीं पर रखते हैं, रखकर जाकर जल्दी से यहाँ पर बातें करके आते हैं पैसे वगैरह की। तो यहाँ पर मुझे बोला है कि यहाँ पर शोरूम के अंदर गाड़ी को घुसेड़ दो, और पैसे वगैरह उन्होंने दे दिए मुझे, और गाड़ी यहीं पर शोरूम के रखने के लिए बोल दिया उन्होंने। तो यहीं पर मैंने अपने एक्सयूवी को रख दिया, अपनी नहीं रही अपनी, अभी एक नई गाड़ी आएगी हमारी। सोया, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने टोयोटा के शोरूम पर, और भाई यहाँ पर आते ही बाहर एक इनोवा खड़ी है, और मुझे लग रहा है कि यही इनोवा मुझे बाय कर लेनी चाहिए। रुको, मैं जाकर डीलर से बात करके आता हूँ भाई, यहाँ पर पहले इसका देख तो लूँ। अच्छा चलो, इसके डीलर के साथ बात करके आते हैं। ऑलराइट, मैंने डीलर के साथ बात कर ली, और उसने बोला है कि ये जो इनोवा ना, ये बस 10 दिन पुरानी है, इसके मालिक ने खरीद कर ले गया, और उसके बाद इसके साथ गलती क्रैश कर दिया, और उसने गाड़ी को वापस दे दिया है, और इसके अभी ब्रेक्स में थोड़ी बहुत शायद से खराबी है। इसको अभी देख लेंगे, वहाँ पर अपने गैराज में ले जाकर इसको सही करा लेंगे। और इसके अंदर गाड़ी के अंदर एक पुतला भी रखा हुआ है फ्री का, तो चलो कोई ना, एक पुतला भी मिल ही जाएगा फ्री में। और यहाँ पर ये बंदा घूम क्यों रहा है भाई। अच्छा चलो, इसको अभी लेकर चलते हैं वर्क अराउंड। तो देख ही लिया है कैसी है गाड़ी, गाड़ी तो एकदम ओपी है, और नंबर प्लेट भी मैंने लगा दिया RGSI। तो अभी चलते हैं अभी इसको लेकर। तो अभी गाड़ी का पीछे का लुक भी देख ही लेते हैं भाई। सामने से तो अच्छी है, और पीछे से भी हाँ ठीक ही है, यहाँ पर एकदम मस्त है गाड़ी। और इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं अभी। ओ भैया, इसका इंटीरियर कैसा है भाई? एकदम ओपी इंटीरियर है, और इसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल मुझे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बता देना, और रेटिंग भी दे देना इस गाड़ी को। तो लेकर चलते हैं अभी, और भाई यहाँ पर रात भी हो गई, वाह बहुत बढ़िया। तो अभी इसको लेकर चलते हैं यहाँ पर कुछ ब्रेक टेस्ट वगैरह कराने। ओ भाई, सच बोला था भाई, इस गाड़ी के ब्रेक में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो अभी शायद से मुझे गाड़ी को ले जाना चाहिए गैराज तक, क्योंकि ऐसे तो हम लोग ले जा सकते नहीं, और काफ़ी सस्ते की मिल गई तो ले ली भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई। तो अभी यहाँ से गाड़ी को घुमाकर सीधे मैं यहाँ पर गैराज में जाकर गाड़ी को ठीक कराकर आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अपनी इनोवा को रिपेयर करवा लिया है, और इसका इंटीरियर वगैरह तो वैसे का वैसा ही, बस इसमें थोड़ी सी ब्रेक की दिक्कत थी तो उसको भी सही कर लिया अभी। और अभी इसको लेकर चलते हैं मस्त अपने घर तक। तो आई होप आपको आज के लिए एपिसोड पसंद आएगा, पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। योर फ्रेंडली यूट्यूबर आर्टिस्ट मिशो इंडियन साइनिंग आउट।